नमस्ते, मैं प्रीति, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिस्सी रोटी बनाना बता रही हूँ। इसे हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और सभी को ये बहुत पसंद आती है। तो आइए देखें इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। मिस्सी रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 250 ग्राम, गेहूं का आटा 100 ग्राम, दो प्याज बारीक कटे हुए, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दो से तीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच हींग, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, देसी घी और पानी। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे बेसन, अब इसमें डालेंगे हम गेहूं का आटा, बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया, हरी मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे सारे मसाले। सबसे पहले डालेंगे हींग, अजवाइन, हल्दी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च। इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। चाट मसाला, सभी चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे। देखिए सभी मसाले अच्छे से मिल गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच घी, घी को भी हम अच्छे से इसमें मिला देंगे। जब घी अच्छे से इसमें मिल जाएगा तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे गूंथेंगे। इसको हम अच्छे से गूंथ के इसका डो तैयार करेंगे। देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हाथ में ऐसे चिकना लेंगे, घी लगाएंगे हाथ में और डो के ऊपर हम अच्छे से चिकना लगा करके इसे तैयार करेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं सेट होने के लिए। अब हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम तवे को गैस पर रख करके गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक तवा हमारा गर्म हो रहा है हम रोटियां बना करके तैयार कर लेते हैं। 5 मिनट हो गया है, आटा भी हमारा सेट होकर के तैयार हो गया है। अब हम इसमें से एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे, देखिए इस तरह से, और इसे गोल करेंगे। देखिए अब इस पे हम थोड़ा सा सूखा गेहूं का आटा लगा लेंगे और एक्स्ट्रा आटा झाड़ देंगे। थोड़ा सा आटा हम बेलने वाली सरफेस पे भी लगाएंगे और इस तरह से इसको हम बेलेंगे। अब बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा आटा इस पर लगाते रहेंगे ताकि बेलने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए रोटी हमारी बेल करके तैयार हो गई है। अब इसे उठा लेंगे हम एक्स्ट्रा आटा झाड़ करके। तवा भी गर्म हो गया है, अब हम इसे तवे पर डालेंगे, आंच को तेज कर देंगे और इसे सेक लेंगे। जब तक ये सेक रहा है हम दूसरी भी बेल करके तैयार कर लेते हैं। अब इसे हम एक तरफ से पलट देंगे, देखिए एक तरफ से ये सेक रही है। अब इस पर हम देसी घी लगाएंगे
तरह से और इसे हम दूसरी तरफ भी पलट देंगे। आंच को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर करेंगे और धीमी आंच पर इसे हम सेकेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक करके क्रिस्पी हो जाए। इधर भी हम देसी घी लगा देंगे और फिर इसे दबा करके अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए, इसे थोड़ा हम ऐसे प्रेस भी कर देंगे बीच बीच से, जिससे कि घी अंदर तक पहुंच जाए और अंदर तक ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। दोनों तरफ से हम अच्छे से इसे सेक लेंगे। देखिए, ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी मिस्सी रोटी भी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मिस्सी रोटी बनकर के तैयार है। आप चाहे तो इन्हें सर्व करने से पहले इन पर बटर भी लगा सकते हैं। तो देखिए, स्वादिष्ट मिस्सी रोटी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आने वाली रेसिपीज की जानकारी के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। थैंक यू।